दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो पेटीएम की एप्लीकेशन की बारे में बताऊंगा। दो पेटीएम एप्लीकेशन में न्यू अपडेट आया है। न्यू अपडेट ये है पेटीएम एजेंट एप्लीकेशन और दूसरा है पेटीएम गोल्डन गेट एप्लीकेशन। तो पेटीएम गोल्डन गेट एप्लीकेशन तो आप लोगों को पता है, इसमें केवाईसी कंप्लीट करता है। और दूसरा है पेटीएम एजेंट एप्लीकेशन। पेटीएम एजेंट एप्लीकेशन सभी लोगों को पता नहीं है इसमें क्या रहा है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या फ्यूचर डाला हुआ है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ आप लोगों के सामने। क्लिक करने पर देखिए पेटीएम का एटीएम पेमेंट बैंक ऑप्शन आ गया। तो इसके ऊपर देखिए तीन ऑप्शन दिया गया, एक है डिपॉजिट, एक है विड्रॉल, एक कस्टमर सेविंग अकाउंट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लोग डिपॉजिट कर पाओगे दूसरे पेटीएम अकाउंट पर, और ये है डिपॉजिट नहीं है, ये विड्रॉल भी ले पाओगे। तो इसमें आप लोग कुछ कमीशन मिलता है। तो मैं ये पूरा वीडियो आप लोगों को एक बना के इसी चैनल में डालूंगा। तो ये सिर्फ आप लोगों का अपडेट के लिए ये बोला। और पेटीएम गोल्डन गेट में क्या अपडेट है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने में देखिए पेटीएम गोल्डन गेट, तो मैं एक वीडियो बना कर रखा हूँ क्या अपडेट है। मैं सिर्फ आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक गोल्डन गेट। तो इसमें आप लोगों को जो लोग पेटीएम गोल्डन गेट यूज़ कर रहे हो और कस्टमर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो वो क्या करो, एफएससी से बात करके न्यू वर्सन में लिंक लेके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और पेटीएम गोल्डन गेट में जो एक कस्टमर केयर में बात करने के लिए, कुछ जानने के लिए क्या उसी क्या होगा या किस लिए कुछ पेमेंट के लिए, तो जो नंबर अभी प्रोवाइड किया था उस नंबर पर एजेंट को एक मिनट में ही कॉल लग जाता था। अभी कॉल नहीं लगेगा, इसलिए मैं ये वीडियो को बनाया। और जो नंबर में आप लोगों को बताऊंगा वो भी आप लोगों को फ़ोन से बात करके दिखाऊंगा एक मिनट के अंदर। तो चलिए मैं आप लोगों को कॉलिंग करके दो नंबर पे, पहले नंबर पे जो पहले नंबर था वो नंबर पहले आप लोगों को कॉन्टैक्ट करके क्या क्या बताता है उसमें सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को जो न्यू नंबर दिया है वो नंबर पर आप सिर्फ कॉल लगा के मैं काट दूँगा। तो इसी वीडियो में आप लोगों को यही बताऊँगा। तो चलिए बताता हूँ। तो मैं अभी आ गया मेरा कॉलिंग के ऊपर। देखिए मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया, मैं सर्च कर लेता हूँ पेटीएम का नंबर। तो अभी मैं पेटीएम हिंदी में रखा हूँ पेटीएम का नंबर, तो पेटीएम में लिख देता हूँ। देखिए ऊपर में आ गया। तो देखिए यह नंबर 01203366337 ए पहला वाला नंबर, उसके ऊपर मैं क्लिक करके मैं कॉल कर लेता हूँ। इसमें बताया क्या क्या नया आया है। पेटीएम में आपका स्वागत है। केवाईसी अकाउंट ओपनिंग या कैश इन या कैश आउट से जुड़ी समस्या के लिए एक दबाएं। अगर आप, मैं अभी एक दबा देता हूँ। हेल्प डेस्क में कॉल करने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने बिजनेस पार्टनर संबंधित सवालों के लिए हमें कॉल करें 0120416060 पर। मेन मेन्यू में जाने के लिए हैश दबाएं। तो देखिए ऐसा ही बताएगा कि ऐसा क्लिक करो, इससे ऊपर क्लिक करो, दो दबाओ, तीन दबाओ, आपका कॉल नहीं लगेगा, फिर भी ये कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो नंबर बताया है वो नंबर आप लोगों को मैं कॉल करके फिर से मैं दिखा देता हूँ। पेटीएम में फिर से लिख दिया। उसके बाद देखिए ये है पेटीएम कस्टमर का नंबर, मैं ये भी सेव कर रखा हूँ। ये है न्यू नंबर 01204160160। तो इस नंबर पे मैं अभी कॉल कर लेता हूँ। देखिए फिर से मैं कॉल कर लेता हूँ, इसमें मेरा डायरेक्टली कॉल लग जाएगा। पेटीएम करो, कृपया प्रतीक्षा। नमस्कार, पेटीएम बीसी हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। मैं प्रिया, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम ये नंबर क्या न्यू अभी अपडेट दिया गया है इस महीने में जी? इस नंबर क्या न्यू अपडेट दिया गया है, इस नंबर पे मैं पूरा जानकारी पा जाऊंगा इसमें? किस तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं सर आप? वो बीसी एजेंट के लिए जो क्या वैसे अभी हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे को पेमेंट नहीं मिला इसलिए। जी सर, ये बीसी हेल्प डेस्क ही है, आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो सुन लिया आपने कि बीसी के लिए ये नंबर अभी न्यू अपडेट दिया गया है, इसमें आप लोग कॉन्टैक्ट करो, एक मिनट में कॉल लग जाएगा। तो यही था वीडियो आप लोगों के लिए, नंबर चेंज किया है इसलिए मैं ये वीडियो बना दिया। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोग हेल्पफुल हो जाओ तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों को पेटीएम बीसी एजेंट के अपडेट देते रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।